गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पैराडाइज पेपर क्या है और इसमें किन किन भारतीयों नाम है और ये कैसे हुआ था लीक, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पैराडाइज पेपर उन फर्मों के नाम का खुलासा है जो अमीर लोगों को टैक्स से चोरी करने में मदद करती है। ये फर्म फर्जी कंपनियां खुलकर अमीर लोगों के काले धन को टैक्स हेवन देशों में भेजने का काम करती है। तो टैक्स हेवन देश ऐसे होते हैं जहाँ पर, अभी देखिए इंडिया में 30% टैक्स देना पड़ता है अपनी, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो वहाँ पर आपसे 1 या 2% टैक्स लगता है या बिल्कुल लगता ही नहीं है। ऐसे देशों को टैक्स हेवन देश बोलते हैं, हेवन यानी स्वर्ग, टैक्स यानी टैक्स बचाने वाला देश या टैक्स का स्वर्ग। पैराडाइज पेपर से जुड़े 1,34,00,000 डॉक्यूमेंट्स में 180 देशों के नागरिकों के नाम है जिन्होंने अपने देश में टैक्स ना देने से बचने के लिए ऑफशोर कंपनी खोली। इस लीक में 19 फर्म की जानकारी है जो काले धन को दुनिया भर में इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। और अभी तक आए दस्तावेज में ज़्यादातर बरमूडा की लॉ फर्म एप्पल वो एक हैं। होता क्या है, कि एक ऑफशोर कंपनी खोली आपने, मतलब एक फर्जी कंपनी खोली जिसमें आपने दिखाया कि आपने 1 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है, और आपको वो कंपनी घाटे में चली गई तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ा और जो आपका पैसा बचा है वो आपने इन देशों में दे दिया जमा कर, इनके देशों के बैंकों के खाते में जमा करा दिया। अब वो पैसा आप अपने किसी रिलेटिव के ट्रांसफर करके डोनेशन के थ्रू अपने आवास ले लेते हैं तो आपको वहाँ भी टैक्स नहीं देना पड़ा, यहाँ भी टैक्स देना पड़ा, नहीं तो आपको 1 करोड़ का 30 लाख रुपये टैक्स देना पड़ता है। तो आपको 1 करोड़ का पैसा आएगा, 30 लाख रुपये आपका टैक्स का बच गया। देखा देखा जाए तो अगर नॉर्मली तो 1 करोड़ रुपए के पास आए ही आए हैं प्लस 30 लाख रुपए अपने टैक्स के बचाए हैं तो 1 करोड़ 30 लाख के करीब इसका फ़ायदा होता है। इस लीक में 19 फर्म की जानकारियां हैं, मतलब 1,34,00,000 डॉक्यूमेंट थे और 180 देशों के दुनिया के जो काले धन को दुनिया भर में इन्वेस्ट करने का काम करती है। अभी तक आए सामने दस्तावेज में ज़्यादातर बरमूडा की लॉ फर्म एप्पल बॉय क्या है, कैसा हुआ खुलासा देखिए। जर्मनी में प्रकाशित होने वाले सुडू टेसच जीतूसंग अखबार के जरिए पैराडाइज पेपर का खुलासा हुआ। एक ही पेपर है, जा सकता है पैराडाइज पेपर का एसबीआई के अंदर की, इस पेपर का नाम याद कर लीजिए, थोड़ा अपटंग नाम है तो याद रखना तरीका है सुडू, ऐसे आप याद कर सकते हैं। पैराडाइज पेपर का खुलासा हुआ सुडू जुटसू सेक जीतूंग अखबार के साथ 19 टैक्स हेवन देशों में कराई गई कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन से जुड़ी डॉक्यूमेंट्स हाथ लगी, जिसके बाद इस अखबार ने इन दस्तावेजों को इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ICIJ के साथ साझा किया। ICJ से जुड़े दुनिया भर के लगभग 96 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इन दस्तावेजों की पड़ताल की। वहीं ICIJ के सभी सदस्यों में से एक इंडियन एक्सप्रेस ने इन दस्तावेजों में भारत से जुड़े लोगों को बारे में बताया, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल, सॉरी जो अपने न्यूज़पेपर होता है उनके एक ग्रुप होता है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्टम, इसमें इंडिया की जुड़ी हुई कंपनी इंडियन एक्सप्रेस, जिसने इंडिया के जो लोग भागते हैं इनके बारे में बताया था। तो किन कंपनियों के नाम आए देखिए, इन दस्तावेज में एप्पल बॉय और सिंगापुर के एशिया सिटी ट्रस्ट कंपनी की जुड़ी हुई जानकारी मिली। ये दोनों कंपनी अमीरों को टैक्स चोरी करने में उनकी मदद करती थी। एप्पल बॉय जो कि एक ऑफशोर लॉ फर्म है, इससे कई भारतीय लोगों के नाम जुड़े हुए। एप्पल बॉय की मदद से कई भारतीयों ने अपना काला धन टैक्स हेवन देशों में भेज रखा है। अब देखिए क्या कार्य है एप्पल बॉय का। एप्पल बॉय ऑफशोर कंपनी खोलने के काम के अलावा दूसरे देशों में बैंक अकाउंट खुलवाने, राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स और शेयरों को ट्रांसफर करने में का भी कार्य करती है। एप्पल बॉय की पूरी दुनिया में कुल 10 ऑफिस है जिसके जरिए दुनिया के कई देशों में अपनी सर्विस देती है। क्या होता है ऑफशोर, हम देखिए ऑफशोर कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है जो टैक्स बचाने के लिए खोली जाती है। इन कंपनियों को टैक्स हेवन देशों में खोलकर
काले धन को सफेद किया जाता है। टैक्स हेवन देशों में अपनी कंपनी रजिस्टर कराने से इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स से बचा जा सकता है। एक ऑफशोर कंपनी इस तरह होती है कि मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप स्विट्जरलैंड में अपना खाता खोल लें, तो आप डायरेक्ट नहीं खोल सकते, तो ये कंपनी आपके लिए खाता खोल के देगी और कुछ प्रॉफिट आप अपने पास रखेगी। तो ये समझ लीजिए कि ना के बराबर इनका प्रॉफिट होता है, बाकी 98-95% अपना ही प्रॉफिट होता है। अब देखते हैं किन किन भारतीयों के नाम आए थे इसमें। पेराडाइज पेपर में भारत के 714 लोगों का नाम बहुत बड़ा और हैरतअंगेज खुलासा हुआ, और नीचे दिए गए जो मेन मेन है उनके बारे में बताया गया है कि पहले भारत के विमान राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, राज्यसभा के पूर्व सदस्य विजय माल्या जो आज के लंदन में है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा का नाम भी इनमें आया है, पूर्व कॉरपोरेट मामलों में मंत्री सचिन पायलट का भी नाम आया है इनमें, राज्यसभा सांसद रविंद्र किशोर सिन्हा का नाम भी इसके अंदर आया है, सबसे बड़ा नाम है इसके अंदर अमिताभ बच्चन का, जिनका बरमूडा स्थित डिजिटल मीडिया कंपनी में एक शेयर धारक के रूप में नाम आया है, और अभिनेता संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इनका पूरा नाम दिल नशी था पुराना नाम है, इनका नाम भी आया है। तो ये दो नाम अमिताभ बच्चन और अभिनेता संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त का भी इसके अंदर नाम आया है, और इंडिया की कुछ कंपनियां देते हैं इनका नाम आया है, अपोलो टायर्स का इसके अंदर नाम आया है, एसएस ग्रुप का इसके अंदर नाम आया है, एमजीएफ का इसके अंदर नाम आया है, जीएमआर ग्रुप का नाम इसके अंदर आया है, एवलेस का नाम इसके अंदर आया है, हिंदुजा ग्रुप का नाम आया है, हरिनंदनी ग्रुप का नाम आया है, और जिंदल स्टील का इसके अंदर नाम आया है। सन ग्रुप, वीडियोकॉन, डीएस कंस्ट्रक्शन और एमआर, इन जो बड़ी कंपनियां हैं इनका नाम इसके अंदर आया है। अगर आप फॉरनर देखें, विदेशों में देखें, तो किन किन जानी मानी हस्तियों का नाम इसके अंदर आया है देखते हैं। तो पहले नंबर पर क्वीन एलिजाबेथ, सेकेंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट मंत्री, लाइब्रेरिया के राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ, नाइजीरिया सीनेट के अध्यक्ष बुकोला सरकी, तुर्की के प्रधानमंत्री के बेटे का नाम इसके अंदर आया है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दामाद का नाम भी इसके अंदर आया है, और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज का नाम भी इसके अंदर आया है। कौन से हैं टैक्स हेवन देश, इनके बारे में बात करते हैं। अगर टैक्स हेवन देशों की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, पनामा, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, हांगकॉन्ग जैसे देश टैक्स हेवन देशों की श्रेणी में आते हैं। सबसे बड़ा नाम आता है स्विट्जरलैंड का, उसके बाद मॉरिशस, फिर पनामा, फिर बरमूडा, फिर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, आइलैंड हांगकॉन्ग के नाम आते हैं। और क्या होते हैं टैक्स हेवन देश? अगर टैक्स हेवन देशों से बचने के लिए कई विकल्प चुनते हैं, और इन्हीं विकल्पों में से एक अक्सर लोग टैक्स देने से बचने के लिए कई विकल्प चुनते हैं और इन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प टैक्स हेवन देश होते हैं। टैक्स हेवन उन देशों को कहा जाता है जहाँ पर इनकम पर ना के बराबर या कोई टैक्स नहीं लिया जाता। ऐसे में लोग अपने देश में टैक्स देने से बचने के लिए इन देशों में अपनी कंपनियाँ खोलते हैं। अब टैक्स हेवन देशों के फ़ायदे तो देखिए, टैक्स हेवन देशों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इन देशों में पैसा रखने से सभी तरह के टैक्स से आप अपना पैसा बचा सकें, टैक्स में देश ना चुकाना पड़े, इसलिए अमीर लोग अपने पैसों को टैक्स हेवन देशों में रखना पसंद करते हैं। वहीं पेराडाइज पेपर में भारत के 19वें नंबर पर होने पर यह बात साफ होती है कि भारत के कई लोगों ने टैक्स हेवन देशों में अपना काला धन छुपा रखा है। जो पेराडाइज पेपर में इंडिया का जो रैंक है वो 19वें रैंक में इतने लोगों ने पैसा रखा है, और इससे पहले हुआ था पनामा पेपर आपने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में, पनामा पेपर थोड़ा बात कर लेते हैं। पेराडाइज पेपर की से पहले टैक्स चोरी से जुड़े कई अहम खुलासे आए थे, इनमें से एक था पनामा पेपर जो साल 2016 में हुआ था। इसमें खुलासे में देश के बड़े बड़े लोगों के फर्जी कंपनी बनाकर उसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात सामने आई थी। इसी साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम इन पेपर में आने के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। इन दस्तावेजों में 500 भारतीयों के नाम भी शामिल थे, जिनमें से अमिताभ बच्चन, उनकी बहू और बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का नाम भी शामिल था। वहीं पनामा पेपर से पहले स्विज लिक्स और ऑफशोर लिक्स के जरिए टैक्स चोरी करने वालों के बारे में जानकारी मिली थी। 2013 में ऑफशोर लिक्स के दस्तावेजों में
130,000 ऑफ शेयर अकाउंट के बारे में जानकारी मिली थी। 100 से ज़्यादा पत्रकारों ने इस लीक की पड़ताल की थी। वहीं स्विस बैंक लीक्स का खुलासा ICIJ ने 2015 में किया था। ICIJ ने अपनी वेबसाइट पर स्विट्जरलैंड में बैंक खोले बैंक अकाउंट से जुड़े दस्तावेजों को साझा किया। जांचकर्ता का कहना था कि 180 अरब यूरो HSBC खातों के माध्यम से 1,00,000 से अधिक क्लाइंट और 20,000 ऑफशोर कंपनियों द्वारा पारित किए गए थे। इस लीक को स्विस बैंक की सबसे बड़ी लीक माना जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी पैराडाइज पेपर के बारे में। तो आइए, आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हैव ए गुड नाइट।